गाइज गाइज आप लोगों ने देखा ना कैसे मैं एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज हुआ, फिर मिड रेंज हुआ, लॉन्ग रेंज हुआ, गाइज कैसे तगड़ा तगड़ा हेयर शॉट मारा था। तो गाइज ये गेम की कुछ सीक्रेट सेटिंग है जो कि मैंने अप्लाई करने के बाद ये हेयर शॉट लग रहा है। अगर गाइज आप लोग ध्यान से अगर ये अप्लाई करते हो तो आपके भी ऐसे ही हेयर शॉट तगड़े तगड़े लगेगा। तो गाइज अगर आप लोग ध्यान से अगर सारे सेटिंग लगाओगे तो गाइज आप लोग की SMG हो या फिर डेजर्ट ईगल शॉट गन हो, हर एक गोली से मतलब हेयर शॉट ही लगेगा गाइज। तो गाइज वीडियो को फुल देखना एंड हर एक सेटिंग को अप्लाई करना, नहीं तो कुछ सेटिंग को अप्लाई करने के बाद आप लोग कमेंट करते हो कि भाई हेयर शॉट नहीं लगा। तो गाइज ध्यान से देखो एंड हर एक सेटिंग को अप्लाई करो, जैसे कि सेंसिटिव हो गया, फायर डॉट फायर बटन कितना रखना है साइज, एंड गाइज गेम मतलब डिवाइस की कुछ इंटरनल सेटिंग भी बताऊंगा, सब कुछ अप्लाई करना, उसके बाद गाइज 100% हेयर शॉट लगेगा। तो गाइज चलते हैं वीडियो पे, आइए देखते हैं अच्छा मजा आएगा। तो गाइज आप लोग गेम की सेटिंग पे ना, सेटिंग पे आने के बाद आप लोग सेंसिटिव सेटिंग पे गाइज आप लोग देख सकते हो कि जनरल को आप लोग 98 रखना है। ओके गाइज 98-99 रखते हो, 100 मत करना। एंड गाइज रेड डॉट को 76 से रख सकते हो, एंड गाइज टू स्कोप को 35 एंड फोर स्कोप को 100 रख सकते हो, 199 ऐसे रख सकते हो। एंड गाइज स्नाइपर को जूम करने के बाद आप लोग को स्नाइपर सेटिंग मिल जाएगा, कितना रखना है आप खुद ही सेट कर सकते हो। उसके बाद गाइज आता है कंट्रोल सेटिंग, गाइज कंट्रोल आप लोग जैसे आओगे तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मेरा कंट्रोल है, देख सकते हो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइज उसके बाद कस्टम एक्चुअली पे आने के बाद गाइज आप लोग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है फायर बटन साइज, गाइज आप लोग देख सकते हो मेरा पोजीशन कहाँ पर है फायर बटन का साइज गाइज। एंड गाइज इसका फायर बटन का साइज वो 42 में रख रहा हूँ इस अपडेट के बाद, क्योंकि इससे पहले 40 पे अच्छा हेडशॉट लग रहा था, इसके बाद गाइज 42 रख रहा हूँ गाइज। उसके बाद गाइज आता है हमारा जो डिस्प्ले सेटिंग, गाइज डिस्प्ले पे आप लोग देख सकते हो ग्राफिक पे मैं अल्ट्रा हूँ, एंड गाइज हाई FPS को हमेशा हाई FPS पे डालता हूँ। ओके गाइज हाई FPS पे डालना होगा गाइज इसको, मेरा नॉर्मल कैसे हो पता नहीं। अरे उसके बाद गाइज फिल्टर को ऑप्शन रखा हूँ क्योंकि इससे मतलब वीडियो एडिटिंग सबसे अच्छा होता है, आप लोग कमेंट करते हो। एंड गाइज ये ध्यान से रखना जो FPS लिखा है यहाँ पर, तो गाइज इसको सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको स्मूथ वे हो यहाँ पर जहाँ पर हो आपको गाइज इस पर हाई पे रखना है। जैसे हाई पे जैसे ही रखोगे गाइज आप लोग की लैग एकदम फ्री हो जाएगा। ओके गाइज लैग फ्री सेटिंग है गाइज, एंड इसको अलर्ट कर सकते हो कि भी आपको अच्छा कहाँ पर डायरेक्शन पे आपको पता चल गया है चल जाएगा। नेक्स्ट आता है डिवाइस की सेटिंग, एंड गाइज ये हर एक डिवाइस की सेटिंग है, तो गाइज ध्यान से देखो। तो गाइज डिवाइस का जो सेंसिटिव सेटिंग है गाइज ये सबसे हार्ड है। तो गाइज यहाँ पर आपको सेटिंग करना है, एक्सेसिबिलिटी सर्च करना है, जैसे एक्सेसिबिलिटी आपको ऐसे इंटरफेस आएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको जनरल पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, विजन पे जाना है। ओके गाइज ये सबसे मेन है। तो गाइज विजन पे पहले टॉक पैक आता है, उसके बाद इसको गाइज सेटिंग के अंदर घुसना है। ओके गाइज आप लोग को विस्कोसिटी जो देख रहे हो इसको क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि स्पीक एलिमेंट टाइप से, इसको गाइज आप लोग ऑन करना है। ओके ऑफ होगा इसको ऑन करना है। ओके गाइज उसके बाद गाइज आप लोग आना है, कुछ भी नहीं करना है, जनरल कस्टमाइज गेस्चर सेक्शन है इसको क्लिक करना है। गाइज आप लोग यहाँ पर सही से देखना है। ओके गाइज अगर कुछ भी गलत होता है तो गाइज यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन है, सेटिंग रीसेट मार सकते हो, उसके बाद गाइज आप लोग ठीक हो जाएगा। देखो गाइज फास्ट फिंगर जो है इसको सबको एक्टिव करना है। ओके गाइज सब फास्ट फिंगर को एक्टिव करना है। ओके गाइज उसके बाद सेकेंड आता है फास्ट फास्ट फिंगर बैक एंड फॉरवर्ड फोर्थ। ओके गाइज इसको गाइज आप लोग करना है, देखो फोकस ऑन फास्ट आइटम करना है। ओके गाइज आप लोग को देख लो फोकस ऑन चारों को फास्ट आइटम करना है। उसके बाद गाइज लोग ध्यान से देखो, तो गाइज ये फास्ट फिंगर एंगल। ओके गाइज इसको एक्टिव करना है। ओके गाइज देखो सबको एक्टिव करना है। ओके गाइज जो डाउन सेक्शन राइट पे भी एक्टिव करना है। ओके गाइज उसके बाद गाइज देखो यहाँ पर जो स्विच डाउन है गाइज इसको करना है फोकस ऑन लास्ट आइटम। ओके गाइज इसको लास्ट आइटम करना है, एंड गाइज राइट साइड जो डाउन होता है उसको करना है फोकस फास्ट आइटम। ओके गाइज उसके बाद आ जाए टू फिंगर। ओके गाइज टू फिंगर पे करके आप लोग करना है टैप टू सजेस्टेड। ओके गाइज सबको टैप टू सजेस्टेड करना है। उसके बाद गाइज डबल टैप होल्ड इसको गाइज आप लोग फास्ट करना है फोकस ऑन फास्ट आइटम। ओके गाइज आप लोग को ट्रिपल टैप जो होता है इसको गाइज आप टैप टू सजेस्ट करना है, गाइज इसको भी टैप टू सजेस्ट करना है। एंड गाइज ध्यान से रखो थ्री फिंगर एंड जो फोर फिंगर है इसको गाइज आप लोगों को कुछ भी चेंज नहीं करना है, डिफॉल्ट रखने देना है, नहीं तो आपको हेयर शॉट नहीं लगेगा। तो गाइज उसके बाद आने के बैक थोड़ा सा करना है, उसके बाद गाइज आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा एडवांस सेटिंग, गाइज एडवांस सेटिंग क्लिक जैसे क्लिक करोगे पॉलिसी ओपन होगा गाइज यहाँ पर देख रहे हो गाइज। तो गाइज जैसे ही एडवांस सेटिंग पे घुसोगे गाइज यहाँ पर लिखा होगा सिंगल टैप टू एक्टिव गाइज जिससे ऑन करना है। उसके बाद गाइज टाइपिंग परफॉर्मेंस इसको टैप टू होल्ड एंड की लेफ्ट इसको क्लिक करना है। उसके बाद गाइज देखो टैप टू टच एंड डिले ऑप्शन जो है इसको गाइज आप लोग डिवाइस के हिसाब से जो भी जितना भी कम है उसके उसको क्लिक करना है, क्योंकि जितना कम होगा ना
आप लोगों को उतना सेंसिटिव फास्ट देखने मिलेगा। ओके गाइस, एनिमेशन वगैरह रिड्यूस हो जाएगा, फास्ट एकदम एनिमेशन आपको डिवाइस होगा। उसके बाद गाइस आता है हमारा जो पिच रहते हो गाइस, इसको क्लिक नहीं, इसको क्लिक करना है टेक्स्ट टू पिच एंड गाइस यहां पर देखते हो पिच रेट है। ओके गाइस, इसको जो स्पीच रेट है इसको गाइस आप लोग फुल करना है। ओके गाइस, इसको फुल कर देना है। एंड गाइस पिच रेट जो 70 है आप लोगों को अप्लाई करना है। ओके गाइस, इसके बाद आप लोग को बैक करना है। उसके बाद गाइस इंटरैक्शन पे जाना है। उसके बाद गाइस यहां पर देख सकते हो टैप टू डिले ऑप्शन है, इसको शॉर्टकट पे कर डालना है। एंड टाइम टेकन को आप लोग डिफॉल्ट नहीं, आपका जितना भी कम है गाइस उसको करना है। मेरा 10 सेकंड सबसे कम है, मिनिमम है, तो मैं 10 सेकंड करता हूं। तो गाइस बैक करना है। उसके बाद गाइस यहां पर देख सकते हो कि पॉइंटर स्टॉप जो है जितने भी शॉट है आपके डिवाइस के हिसाब से उसको करना है, ऑन करना है, इसको ऑफ नहीं ऑन करना है। ओके गाइस, उसके बाद बैक करना है। ठीक है गाइस, एंड गाइस ये लार्ज माउस जो पॉइंटर है इसको ऑफ कर देना है, क्योंकि इतना अच्छा है, मतलब ये फालतू गाइस डिवाइस मतलब बेकार हो जाए। उसके बाद गाइस आते हैं पॉइंटर स्पीड। ओके गाइस, जो मैंने पॉइंटर स्पीड आप सर्च करना है ऐसे आना है, जिसको आपको 70 रखना है। ओके गाइस, ज्यादा नहीं रखोगे नहीं तो आपको शॉटगन से रिकॉल होता है गाइस। उसके बाद गाइस जाते हैं सबसे मेन जो है हमारा डी डेवलपर ऑप्शन। गाइस जब डेवलपर ऑप्शन पे मैं बहुत बार दिखा चुका हूं, तो गाइस आप लोग ऐसे क्लिक करके जाना है। ये जो गाइस आप लोग देख रहे हो वाफरिंग, इसको गाइस आप लोगों को बिल्कुल भी जो भी बताते हैं एडी भी कर दो या फिर कुछ भी कर दो गाइस बेकार है, गाइस कुछ भी नहीं है इसका मतलब वर्किंग। ये बफरिंग जो YouTube के बफरिंग होता है उसको गाइस ये देखो यहां पर होगा जो GPUW। ओके गाइस, इसको ऑन करना है। ओके गाइस, इसको ऑन करना है। ऑन ग्राफिक परफॉर्मेंस आपको करना है, पता है आपको फ्री फायर को डिफॉल्ट पे ये हटा के आपको ये करना है। उसके बाद गाइस नीचे नीचे आना है, नीचे नीचे जैसे आओगे उन जो एनिमेशन देख सकते हो गाइस, इसको आप लोगों को 5x करना है, मतलब 5x ही करना है, कम नहीं करना है। ओके गाइस, आप लोग इतना ही करना है। उसके बाद गाइस आप लोग स्मॉल वुड पाना है, स्मॉल वुड पे देख सकते हो गाइस ये 540 मेरा जो है फेवरेट है गाइस, ये सेटिंग में चेंज नहीं करता, तो 540 रखना है। एंड गाइस गेम खेलते टाइम इसको 4fps को इसको ऑन करना है गेम खेलते टाइम आपको। उसके बाद गाइस एंड गाइस जिसका भी फोन डिवाइस लैग वगैरह हो रहा है तो गाइस आप इसको नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर सकते हो। अगर कर दोगे तो रीसेंट पेज पे जो भी होगा, देखो जैसे कि ये रीसेंट पेज है, इस पे गाइस ये नहीं रीसेंट पेज पे मतलब कुछ भी डाटा यूज नहीं कर सकता गाइस, इसका वर्किंग ये है। तो जिस वजह से कि आपके डिवाइस के जो भी बैकग्राउंड पे चलेगा वो मतलब कुछ भी यूज नहीं कर सकता, बैकग्राउंड डाटा भी यूज नहीं कर सकता इस पर, जिससे कि आप डाटा या फिर कुछ भी यूज नहीं कर सकते, जैसे कि डिवाइस का फंक्शन फास्ट हो गया, आपका हेडसेट अच्छा लगेगा। तो गाइस ये थी कुछ सेटिंग जो कि अप्लाई करने के बाद आपको कैसी तगड़ी तगड़ी हेयर स्टाइल लगेगा अगर आप लोग सही से सब कुछ अप्लाई करते हो। तो गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो पे। तो गाइस बाय।